आज के इस वीडियो में हम आपको संविधान दिवस पर स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। इन्हें फॉलो करके आप स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा। संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले पॉइंट में आप लोगों को यह बताइए कि संविधान निर्माण की हिस्ट्री किस प्रकार की थी। उदाहरण के तौर पर आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, आज 26 नवंबर का दिवस है, इसे हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम हमारे संविधान की थोड़ी बात करें तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को सभा में पारित हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अब यहां पर 2 महीने का गैप रखा गया था। इसके पीछे भी कुछ वजह है, इसे भी हम जानते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के नेताओं ने, तारीख याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के नेताओं ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह तारीख को मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यहां पर हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि संविधान दिवस बहुत सालों से नहीं मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 से की गई थी। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने पहले मुद्दे के अंदर बताकर संविधान निर्माण के इतिहास के बारे में कुछ बातें कह सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और हम संविधान दिवस पर जो दूसरा पॉइंट शामिल करेंगे उसे बताने जा रहे हैं, और वो यह है कि हम संविधान का महत्व लोगों को बताएंगे। अब यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे के अंदर आप लोगों को संविधान क्या है यह कहिए, संविधान में क्या होता है इसे भी बताइए, और हमारा संविधान क्यों बनाया गया है इसके बारे में भी कुछ कहिए। अब हम आपको यहां एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो संविधान के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि जिन्हें संविधान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और कुछ वैसे लोग भी होते हैं कि जिन्हें संविधान क्या है यह पता होता है लेकिन उन्हें उसके अंदर की जानकारी न के बराबर होती है। तो हम आपको यहां पर बताते हैं कि पहले तो हमारा संविधान है क्या। देखिए, संविधान को अगर सिंपल भाषा के अंदर कहा जाए तो होता है नियम। हमारे देश में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा वो सब संविधान के अंदर होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप ड्राइविंग करना चाहते हैं। आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो ड्राइविंग के जो नियम होते हैं वो कहीं पर मेंशन्ड होते हैं। वो जो पर्टिकुलर जगह होती है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, संविधान कहा जा सकता है। अब यहां पर एक और जो है वो बात आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में होता क्या है। तो संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। हम अगर भारत के संविधान के बारे में बात करें तो उसमें यह है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार को कौन चुनेगा, उनके पास किस प्रकार के पावर्स होंगे, जो नागरिक होते हैं उनके क्या क्या अधिकार है इत्यादि, ये सब चीजें संविधान में होती है।
अब यहाँ ये भी एक प्रश्न होता है कि संविधान क्यों है, तो हम यही जो है वो चीज को वापस हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम ड्राइविंग के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो होगा क्या, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्व्यवस्था हो जाएगी, हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, फाइन लग सकता है या पनिशमेंट हो सकती है, ये सब उसके परिणाम होंगे। उसी प्रकार से हमारा जो संविधान होता है अगर वो नहीं होगा तो होगा कुछ ऐसा कि सरकार जो होती है उनके पास जो पावर होते हैं उससे जो है वो बाहर जाकर वो कुछ कार्य कर सकते हैं, जबकि अगर संविधान होगा तो वो उनके पास जो पावर्स है उसी हिसाब से वो काम करेंगे। संविधान होगा तो हम सब लोगों को पता चलेगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, इसका हमें जो है वो आइडिया मिलेगा। अगर संविधान नहीं होगा तो देश को स्मूथली नहीं चला सकते, जैसे ड्राइविंग को हम स्मूथली नहीं कर सकते, व्यवस्था को नहीं बनाए रख सकते, वैसे ही संविधान न होने पर भी व्यवस्था अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो ये जो है वो संविधान का महत्व होता है, इसे हम सबको जानना चाहिए। और हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि हम सब लोग हमारे संविधान के बारे में हो सके उतना ज्यादा जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को शामिल कीजिए और संविधान के महत्व के बारे में बताइए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और संविधान दिवस पर तीसरा और आखिरी मुद्दा जो आपको शामिल करना है वो यह है कि आपको संविधान और संविधान के निर्माण के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देनी है। इसे कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, उदाहरण दे रहे हैं। वैसे तो संविधान के बारे में और संविधान के निर्माण के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ महत्व की बातें बताएं तो हमारा संविधान जो है वो कोई एक दो दिन में या एक दो महीने में नहीं बना हुआ है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये बहुत ही लंबा समय था, लगभग 3 साल का समय। हमारे यह संविधान की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और यह संविधान हाथों से लिखा गया था, यह संविधान को लिखने में 6 महीने का समय लगा था। उस वक्त की अगर बात करें तो हमारे संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था, और आज की बात करें तो आज भी हमारा जो ओरिजिनल संविधान है, ओरिजिनल उसकी कॉपी है, वो हमारे संसद भवन में नई दिल्ली में नाइट्रोजन से भरे हुए केस में उपलब्ध है। तो ये कुछ संविधान के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में रोचक जानकारियां थी। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहे या और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहे तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको तीसरा मुद्दा शामिल करना है और यहां पर इसे कंप्लीट करना है। यह कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, हमने आपको आज के वीडियो में यह बताया कि आपको संविधान दिवस पर स्पीच कैसे देनी चाहिए। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।